ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। शांति की स्थापना, उसके प्रचार प्रसार की महती आवश्यकता हर मत पंथ धर्म में वर्णित है, विराम। मगर विश्व में आज भी हिंसा, युद्ध, अविश्वास, आतंकवाद, हथियारों की होड़ के पीछे सबसे बड़ा कारण रिलीजन से जुड़ा माना जाता है, विराम। भले इसे खुलकर कहने को कूटनीति में उचित ना कहा जाता हो, पिछले 6-7 दशकों में जो प्रजातंत्र आगे बढ़ा, राजनीतिक दलों और की यह समझ बढ़ती गई कि पंथ व अधिक सरलता से उपलब्ध तत्व है जिस आधार पर लोगों में वैमनस्य फैलाया और उससे राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है, विराम। भारत जैसे बहुधर्मी देश में इसकी पूरी संभावना स्वतंत्रता के समय ही पहचान ली गई थी, विराम। इस समय अगर देश एक साहसपूर्ण निर्णय ले कि शिक्षा के मौलिक अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हर बच्चे को राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ना अनिवार्य होगा, विराम। सब धर्मों पंथों में निहित शांति, अहिंसा, धर्म और प्रेम मूल्य पारस्परिक आदर उत्पन्न करेंगे और बच्चे यह जानेंगे कि सभी धर्म समान रूप से आदरणीय हैं, विराम। हर व्यक्ति को अपने धर्म को सही ढंग से स्वीकार करना चाहिए, विराम। इस एक संविधान सम्मत निर्णय से अनेक समस्याएं सुलझाने में सहायता अवश्य मिलेगी, विराम। कोविड महामारी का सबसे गहन प्रभाव देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन को लेकर दिख रहा है, जो मानव संसाधन के निर्माण के साथ ही युवा भारत की सामर्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, विराम। यस, मेन डिक्टेशन रेडी स्टार्ट। महामारी के चलते स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से तात्कालिक कदम के रूप में शैक्षिक संस्थानों को प्रत्यक्ष भौतिक संचालन से मना कर दिया गया। फिर कक्षा की पढ़ाई और परीक्षाएं जहां भी संभव थी आभासी वर्चुअल माध्यम से शुरू की गई, विराम। करीब 1.5 साल से यह हलचल जारी है, विराम। इसमें संदेह नहीं कि बौद्धिक सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए शिक्षा केंद्र में विद्यार्थी की भौतिक उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है, पर महामारी के कारण विद्यालय की अवधारणा ही बदल गई, विराम। तमाम विद्यार्थी ऑनलाइन प्रवेश, ऑनलाइन शिक्षा और ऑनलाइन परीक्षा को बाध्य हुए, विराम। शिक्षा केंद्र विद्यार्थी और शिक्षक से भौतिक रूप से दूर तो हुए ही, उनके विकल्प में मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर लगातार घंटों बैठने से परेशानियां भी होने लगी, विराम। सच तो यह है कि शिक्षा पाने का प्रेरणादायी अनुभव उबाऊ होने लगा, विराम। दरअसल आभासी माध्यम पर ऑनलाइन कक्षा की प्रकृति में अध्यापक छात्र के बीच होने वाली अंतःक्रिया अस्वाभाविक और
असहज होती है विराम, उसमें विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी और शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले फीडबैक कृत्रिम होते हैं विराम, लिहाजा विद्यार्थी की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के अवसर कम हो जाते हैं विराम। वहीं वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षक के समक्ष विद्यार्थी की उपस्थिति होने में अनुशासन के अभ्यास का भी अवसर मिलता है विराम। इससे एक सामाजिक परिस्थिति बनती है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नैतिकता का पाठ पढ़ाती है विराम। इसके उलट ऑनलाइन कक्षा में कोताही गुंजाइश अधिक हो गई है विराम। इन सबसे शिक्षा की स्वीकृत परिभाषा ढांचा और प्रक्रिया ही बदल गई विराम। बहरहाल यह तकनीकी बदलाव सिर्फ डिलीवरी के तरीके से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि दुनिया और खुद से जुड़ने और अनुभव करने के नज़रिए से भी जुड़ा हुआ है विराम। सीखने की प्रक्रिया को कंप्यूटर के कीबोर्ड को ऑपरेट करने तक सीमित करना विद्यार्थियों को सीखने और समझने की शैलियों में विविधता की भी अनदेखी कर रहा है विराम। आज एक बंधा बंधाया तकनीक नियंत्रित ढांचा उनके ऊपर थोप दिया गया है विराम पैरा। ऐसा करने से उनकी कल्पनाशीलता प्रयोग और सृजन के अवसर पर एक तरह से ग्रहण लग गया है विराम। इन सबके बीच सूचना ही ज्ञान और अनुभव का पर्याय बनती जा रही है विराम। हालांकि ऐसे आशावादी लोग भी हैं जो अब यह विश्वास करने लगे हैं कि भविष्य में सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा विराम। वे उसे ही एकमात्र विकल्प मान बैठे हैं विराम। देखा जाए तो यह कल्पना दूर की कोड़ी है विराम। इस तरह की सोच शिक्षा को उसके मुख्य प्रयोजन से दूर ले जाने वाली है विराम। दूसरी ओर कुछ यथास्थितिवादी शिक्षाविद भी हैं जो शिक्षा के पारंपरिक ढांचे को ही ठीक समझते हैं विराम। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों में अधिकांश लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों के मिले जुले रूप को ही बेहतर मानते हैं विराम। वे बदलते वैश्विक परिदृश्य में नई तकनीकों का लाभ लेते हुए शिक्षा को संवाद मूलक मानवीय प्रक्रिया को स्वाभाविक और मानवता का हितेशी मानते हैं विराम पैरा। आज की ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े लोगों की बदलती आदतें अब तकनीकी व्यवस्था में उलझ रही है विराम। नतीजा यह हो रहा है कि अब ध्यान देने सोचने और आत्मसात करने की जगह डाउनलोड और अपलोड करने, गूगल सर्च करने, स्क्रीन शेयर करने और पीपीटी तैयार करने जैसे कंप्यूटरी कौशल के अभ्यास और प्रबंधन के रूटीन को स्थापित करने में ज़्यादा समय बीत रहा है विराम। इंटरनेट से जुड़ते हुए देश और काल दोनों का अनुभव बदल जाता है विराम। साइबर स्पेस में भ्रमण अद्भुत होता है विराम। सूचना का प्रवाह जिस वेग से बढ़ रहा है वह चौंकाने वाला है विराम। इसमें जानकारियां तत्काल बासी होती जा रही है विराम। बुद्धि और विवेक की जगह तकनीक की बढ़ती प्रतिष्ठा का चरम कृत्रिम बुद्धि में प्रतिफलित हो रहा है विराम। वस्तुतः तकनीक मानव मूल्यों की जगह नहीं ले सकती विराम। सब कुछ मशीन
के हाथों सुपुर्द करना दुर्भाग्यपूर्ण होगा, विराम पैरा। यह साफ जाहिर है कि कोविड महामारी की मार समाज के विभिन्न वर्गों पर एक जैसी नहीं पड़ी है, विराम। ऑनलाइन शिक्षा के जरूरी संसाधनों की व्यवस्था के लिए आर्थिक साधन सबके पास न होने से उस तक पहुंच एक ऐसे डिजिटल डिवाइड को जन्म दे रही है जो संपन्न परिवार से आने वाले विद्यार्थियों और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के बीच की खाई को और ज़्यादा बढ़ाने वाली है, विराम। हम यह न भूलें कि वंचित और कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा समस्या उनकी आर्थिक असुरक्षा से जुड़ी हुई है, जिसका प्रभावी नीतिगत समाधान अभी तक नहीं हो सका है, विराम। ऑनलाइन पढ़ाई की उपलब्धता की स्थिति में पूरे देश में बड़ी विविधता है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, विराम पैरा। हालांकि नई शिक्षा नीति भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम के उपयोग को बढ़ावा देती है, विराम। इससे विद्यार्थी अपनी रुचि के कुछ पाठ्यक्रमों की दूसरी संस्थाओं से भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेगा, विराम। इस प्रस्तावित लचीली शिक्षा व्यवस्था में छात्र छात्राओं को अपनी रुचि, प्रतिभा और सृजनात्मकता को निखारने का अवसर मिल सकेगा, विराम। इस तरह की पढ़ाई से मिलने वाले क्रेडिट स्वीकार्य होंगे और डिग्री की पात्रता से जुड़ जाएंगे, विराम। देखना है कि नई शिक्षा नीति का मसौदा कार्य रूप में किस तरह व्यवहारिक धरातल पर उतरता है, विराम। इसके लिए सबसे जरूरी है कि शिक्षा की आधार संरचना में निवेश किया जाए, विराम। कोरोना जाएगा पर उसके बाद शिक्षा का स्वरूप पहले जैसा नहीं रह जाएगा और उस स्थिति के लिए तैयारी जरूरी है, विराम पैरा। स्कूलों के काम के वातावरण और संस्कृतियों में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना होगा ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि वे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों और अन्य सहायक कर्मचारियों के एक समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सके जिनका एक कॉमन लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे सीख रहे हैं, विराम पैरा। इस दिशा में पहली आवश्यकता स्कूलों में सभ्य और सुखद कार्य स्थिति सुनिश्चित करने की होगी, विराम। यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में पर्याप्त और सुरक्षित भौतिक संसाधन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सीखने के लिए स्वच्छ और आकर्षक स्थान, बिजली, कंप्यूटिंग उपकरण, इंटरनेट, पुस्तकालय और खेल और मनोरंजन के साधन मुहैया करवाने होंगे ताकि स्कूलों के शिक्षक और छात्र सभी जेंडर के छात्रों और दिव्यांग बच्चों सहित एक सुरक्षित, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्राप्त कर सके और उनके स्कूलों में पढ़ाने और सीखने के लिए सुविधाजनक और प्रेरित महसूस करें, विराम। सेवाकालीन प्रशिक्षण में स्कूलों में कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इनपुट होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक इन आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो, विराम।